हेलो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट के एयर पॉल्यूशन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वायु गुणवत्ता मापन पर टिप्पणी लिखिए। आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मेरे टाइम पे 16, 17, 18 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसके आप लोग क्वांटिटीज देख सकते हैं कि इसके आने के चांसेस भी हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वायु गुणवत्ता मापन क्या होता है, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। फ्रेंड्स, वायु गुणवत्ता मापन क्या है तो देखेंगे इसके अंदर, और बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वायु गुणवत्ता को सामान्यतः भौतिक तथा रासायनिक गुणों के संयोजन के रूप में वर्णित किया जाता है। ओके, आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी कि वायु गुणवत्ता को सामान्य भौतिक तथा रासायनिक यानी कि फिजिकल एंड केमिकल गुणों के संयोजन के रूप में वर्णित किया जाता है। तो चलेंगे इसके अंदर, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे पहले भौतिक, तो भौतिक कारण क्या है, उसके बाद हम लोग रासायनिक कारण देखेंगे। तो भौतिक कारण को आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए कि वायु गुणवत्ता क्या है। फ्रेंड्स, वायु गुणवत्ता मानव हो गया, चाहे जंतु हो गया, चाहे प्लांट्स हो गया, ये सभी के लिए एक स्वास्थ्य का लाभदायक रास्ता है। कहने का मतलब, अगर जो हमारी एयर है, एयर हमारे मानव के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वे हमारे जो जीव जंतु कुत्ते वगैरह होते हैं, ये सभी के हमारे स्वास्थ्य का एक साधन है। ठीक है, यह मानव को घरेलू, सामाजिक तथा औद्योगिक मनोरंजन गतिविधियों को जारी रखता है। कहने का मतलब, अगर आप इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कुछ मनोरंजन भी कर रहे हैं तो वह एयर के द्वारा ही कर रहे हैं। क्यों, इसका संबंध क्या है? इसका संबंध दोस्तों ये है कि अगर आप सांस ले रहे हो, अगर आपकी सांस है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपकी सांस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सांस से बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपकी सोसाइटी को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो चलिए पहले फिजिकल कारण को देखते हैं कि इसका भौतिक कारण क्या है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं आपको इसके जो भौतिक कारण है उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, भौतिक कारणों में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। देखिए, भौतिक गुण में हमारा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर आपको पता ही है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में तापमान, घनत्व, जल, वायु की गति सम्मिलित है। ओके, क्या क्या सम्मिलित है फिजिकल्स के अंदर? तो इसके अंदर हमारा आपका क्षोभ मंडल हो गया, हीट हो गया, घनत्व हो गया, जल वायु की गति, ये जितनी भी एक्टिविटी है आपका भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रहेगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट्स की ओर चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक गुण। तो देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जो भी हमारे द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं, आमतौर पर अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार कौन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए अगर कोई इस धरती पर जिम्मेदार है तो वह खुद पे खुद ह्यूमंस जो कि जिम्मेदार है। ओके, आ रही होगी बात समझ में, कौन है रासायनिक परिवर्तन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह आपका कोई और नहीं बल्कि आपका मानव ही जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, मानव के द्वारा ही ये क्रियाकलाप किए जाते हैं। अनेक तरह के केमिकल्स, अलग तरह के कुछ भी चीजें, गैसेस वगैरह बनाने में हमेशा किसकी जो भूमिका रही है, वह आपका मानव की भूमिका आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर हुई है। देखिए, तरह तरह के इन्वेंट करना, तरह तरह के केमिकल्स को बनाकर लिक्विड फॉर्म के अंदर एक खाद उत्पादक चीजें बनाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ओके, अगर वही एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के तौर पर अगर ले तो खेत के अंदर, एग्रीकल्चर्स के अंदर यूज होने वाले पोटास, क्लोरीन, दुनिया भर की चीजें जो कि मिलाई जाती हैं, जिसमें यूरिया जैसे पदार्थ को बनाया जाता है और उसके अंदर आपका सॉइल्स के अंदर एग्रीकल्चर्स के रूप में यूज किया जाता है, वही आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यूरिया को अगर आप खेत में छींट देते हैं, वह गलता है, वह जाकर आपकी मृदा में मिल जाती है, जिससे आपकी मृदा दूषित हो जाती है। तो यही है यहाँ पर वायु को समझने का तरीका था कि रासायनिक परिवर्तन किस तरह से जिम्मेदार है। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको रासायनिक परिवर्तन के कुछ और टिप्स आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर क्या क्या और याद रखना है। देखेंगे कि वायु की गुणवत्ता, देखिए वायु की गुणवत्ता तभी प्रभावित होती है जब ऊर्जा रूपांतरित होता है।
मानव के द्वारा जो प्राकृतिक बलों द्वारा भट्टी की आग, आंधी, बाते भट्टी, ये सब आपका बदलने के योग्य है। अब देखिए, जैसे स्वचालित मोटरयान, फ्रेंड्स स्वचालित मोटरयान को बहुत ध्यान से सुनना कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है इसके अंदर बहुत सी चीजें जैसे कि गैसेस ना, चीजें जलती हैं, पेट्रोल जलता है ईंधन के रूप में, वहां पर एक धुआं निकलता है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, ये आपकी इसकी गुणवत्ता है। अगला पॉइंट है इसके, देखिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि वायु गुणवत्ता की टिप्पणी को देखते हुए, ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स द्वारा, यानी कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन आपका सेंट्रल बोर्ड, जिसे वायु प्रदूषण की रोकथाम एक एक्ट पारित किया गया था, जिसे 1981 की सेक्शन 16 क्लोज 2G के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लागू किया है। कहने का मतलब, इस एक्ट को लागू करने का एक सीधा सीधा कारण यही है कि कम से कम एक लिमिटेशंस के अंदर रहकर यहाँ पर प्रदूषण को फैलाया जाए और एक अपनी आवश्यकता के अनुसार जरूरत की चीजों को ही यूज करें, फालतू से आपका आपका प्रदूषण ना फैलाया जाए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आपसे अगर कहे कि वायु गुणवत्ता मापन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको पहले फिजिकल स्टैंडर्ड चीजें लिखनी है, उसके बाद आपका केमिकल स्टैंडर्ड, जो केमिकल चेंजेस है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, केमिकल परिवर्तन आपको पता ही क्या होता है, जो भी अब जो चेंजेस चल रहे हैं रासायनिक प्रकार की चीजों का चेंजेस चल रहा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण के कारक क्या हैं? तो आपको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण के कारक क्या हैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। लेक्चर अगर आपने सुन रखा है तो आप एग्जाम में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण, वायुमंडल में हमारा सीओ का स्तर, सीओ का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायुमंडल में इसका स्तर औद्योगीकरण पूर्व स्तर से लगभग 280 बढ़कर सन 2000 में लगभग 370 ppm हो गया है। कहने का मतलब, ये हमारा जो कार्बन है ये आपका 280 से बढ़कर सन 2000 तक आपका ये 370 ppm तक पहुंच चुका है। तो इस आंकड़ों के अनुसार ये आपका रेटिंग्स 280 से बढ़कर 370 ppm तक हो गई। तो फ्रेंड्स, जब ये 2000 तक इतना हो गया तो सिंपल सी बात है, आने वाले कंडीशंस में ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही देगा। इसी प्रकार से हमारे CO2, अलग अलग तरह की गैसें हैं, देखिए CO2 है हमारा, CO2 है, और आपका CH4 है, मेथेन आपका इसी के अंदर आ जाती है, उसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारी चीजें इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। तो वही चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, तो वायुमंडल में CO2 का स्तर औद्योगीकरण के पूर्व स्तर से 280 से आपका बढ़कर सन 2000 में लगभग 370 ppm हो गया। इसी प्रकार CO कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 मेथेन एंड NO2 CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों की सांद्रता भी वायुमंडल के निचले भाग में बढ़ती जा रही है। ये गैसें विकिरणी रूप से सक्रिय गैस हैं और इन्हीं को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे आगे के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी थ्योरी एक लेक्चर के रूप में आपको देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। तो इसके बाद इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस जो हमारी गैसें होती हैं ये पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना लेती हैं। ये सौर विकिरण की पृथ्वी की सतह तक आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो नीचे वाली दीर्घ तरंगे अवरक्त किरणें जो होती हैं, किरणों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। अतः गैसों का यह जो आवरण है यह ग्रीन हाउस गैस के एक तरह से जो कांच के दरवाजे की तरह आपका ये कार्य करता है। सूर्य की बात करें तो देखेंगे, आप लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश को गुजरने देता है लेकिन ऊष्मा को वापस बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोकता है ना, यही सब चीजें होती हैं। अब देखिए, हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा पहाड़ है, इस तरह से अगर हीट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ये जो पहाड़ पर जो बर्फ है ये आपकी हिमनांग जो कि गलने लगेगी,
सिंपल सी बात है, जब अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग हुई, अगर तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, तापमान में अगर जैसे ही वृद्धि होती है तो विश्व को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अगर हीट में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो अगले 50 वर्ष में इस प्रकार के विश्व ताप में वृद्धि हो जाएगी, है ना। अगर ज्यादा ऐसी कंडीशंस रही तो हिमालय की जो बर्फ की चोटी है वह गलने लगेगी, और ये पानी इतना गलने लग जाएगा, ये बर्फ का जो होती है इतनी गलेगी कि यह पिघलकर आपका समुद्र में आकर बहने लग जाएगी। अगर समुद्र में बहेगी तो यही पानी सड़क पर आने की 100% चांसेस हो जाएंगे, और एक तरह से देखा जाए तो सुनामी आने का डर रहता है। तो ये है, अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो ये समझ लीजिए जो हिमालय की चोटी है, बर्फ की जो टोपी है वो पिघल जाएगी और सारा पानी बहकर सड़क पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बर्फ पिघलेगी तो सिंपल सी बात है कि पानी जो कि हमारे रास्तों में या हमारे रास्ते में आकर ये प्रवेश कर जाएगा। तो यही है हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण हालांकि और तरीके से होते हैं, लेकिन ये वायुमंडल का प्रदूषण इसी तरह से है। अगर वायुमंडल आपका दूषित हो गया तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय है सब पिघलने लग जाएंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो 100% ही आपका पिघल जाएगा। ओके, तापमान में वृद्धि की बात करें, 2 से 5 सेंटीग्रेड में अगर वृद्धि हो जाती है तो आपका ये ध्रुव प्रदेश की जो टोपी है, बर्फ की टोपी, ये पिघलेगी और आपका सारा पानी आपके रास्ते में आ जाएगा, जिससे एक तरह से वायुमंडल का प्रदूषण का ये कारण है कि हिमालय की चोटी का गलना। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, इसको मैं फिर से समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा लाइव आकर, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, जीके जीएस रीजनिंग्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे डिप्लोमा की जो भी वो वीडियो का नोटिफिकेशन आता है वो आपके पास टाइम टू टाइम आ सके, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय।